नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय छात्र संघ के कार्यक्रम में आए भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर के कैंपस में प्रवेश के दौरान मोदी के खिलाफ लगे नारे, देखो देखो कौन आया, मोदी तेरा बाप आया, पर अलीगढ़ के सांसद सतीश गौतम भड़क गए। उन्होंने कहा कि केवल कोर्ट मेंबर की मीटिंग में मैं जाता हूँ, एक बार सर सैयद डे के कार्यक्रम में बुलाया था, फिर कभी एएमयू में नहीं बुलाया। मोदी के खिलाफ नारेबाजी पर कहा, एएमयू प्रशासन की ये मानसिकता बन गई है कि देश विरोधी भारतीय जनता पार्टी विरोधी जो बोलेगा उनको छात्रों के माध्यम से आमंत्रित किया जाता है, ये बहुत दुर्भाग्य है। वो केवल मोदी नहीं है, देश के प्रधानमंत्री हैं, इस तरह की भाषा का प्रयोग करना दुर्भाग्यपूर्ण है। एएमयू प्रशासन को सोचना चाहिए, जिन्होंने ये कृत्य किया है वो एएमयू की मानसिकता को दर्शाता है। एएमयू प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता, समय बहुत नज़दीक है, जैसे ही सांसद की शपथ लूँगा मैं वीसी को अपने अधिकार के तहत दिल्ली बुलाकर इन सब बातों का जवाब मांगूंगा। बताइए, आज तक एएमयू यूनियन या एएमयू प्रशासन ने आपको कभी एएमयू के अंदर इनवाइट किया है? मैं केवल कोर्ट मेंबर होने के नाते से जो कोर्ट की मीटिंग होती है एएमयू के अंदर, उस बैठकों में मैं जाता हूँ। उसके अलावा कोई भी एएमयू प्रोग्राम करता है, सर सैयद डे मनाया था एक बार, उसमें मुझे इनवाइट किया था, उसके बाद आज तक एएमयू ने नहीं बुलाया और मैं जाना भी नहीं चाहता हूँ। आज भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर उर्फ रावण वहाँ पहुंचे और वहाँ नारे लगाए गए हैं कि देखो देखो कौन आया, मोदी तेरा बाप आया, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मैं पहले से ही कहता आ रहा हूँ, एएमयू का जो प्रशासन है उसकी ये मानसिकता बन गई है कि देश विरोधी भारतीय जनता पार्टी विरोधी जो भी बोलेगा उसमें छात्रों के माध्यम से उसको मैं एएमयू में आमंत्रण किया जाता है। निमंत्रण देने के बाद उसमें इस तरह के नारे लगाए जाते हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। खाली मोदी नहीं है, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, इस तरह की भाषा का प्रयोग करना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये एएमयू के बीसी को और वहां के प्रशासन को ही सोचना चाहिए, जिन बच्चों ने ये कृत्य किया है कि चंद्रशेखर रावण आने पर इस तरह के नारे लगाए हैं, ये एएमयू के बच्चों की मानसिकता को दर्शाता है और एएमयू के प्रशासन की जो कार्रवाई करने की क्षमता है, जो बच्चों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती और उनको सह दी जा रही है, ये उसे भी दिखाता है। अभी समय बहुत नजदीक है, जैसे ही मैं शपथ लूंगा मैं बीसी को अपने अधिकार के तहत दिल्ली बुलाकर इन सभी बातों का जवाब पूछूंगा। और जो आज आपके द्वारा जिस नारे की चर्चा की है, देश के प्रधानमंत्री के पिता के लिए अपशब्द बोले गए हैं, उन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो छात्र हो चाहे यूनिवर्सिटी का प्रशासन हो, कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी, कोई भी नहीं बख्शा जाएगा। मैं कोर्ट मेंबर होने के नाते, अलीगढ़ का सांसद होने के नाते से ये कतई बर्दाश्त नहीं होगी। अगर एएमयू नहीं सुधरा तो मैं सुधारना जानता हूं, अलीगढ़ में एएमयू है, अलीगढ़ के एएमयू को सीधा करना मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं। मैं लास्ट में पुनः आपके माध्यम से ये मैसेज देना चाहता हूं, जिस तरह की गतिविधियां एएमयू में चल रही शिक्षा संस्थान में वो नहीं चलनी चाहिए, तत्काल बंद होनी चाहिए। अगर एएमयू में सुधार नहीं आया तो सुधार करना मेरी ड्यूटी बनती है। तो क्या आप बीसी को अभी फिलहाल कोई पत्र वगैरह या किसी चीज से माध्यम कराएं? मैं वीडियो के माध्यम से पेन ड्राइव लगाकर साथ में बीसी को पत्र भी लिखूंगा, जवाब भी मांगूंगा। बीसी मेरे पत्रों का जवाब नहीं दे रहे, जवाब नहीं दे रहे, इसलिए मैं बोल रहा हूं, सांसद को अधिकार होता है पार्लियामेंट के माध्यम से, जो भी सांसद के पत्र का जवाब नहीं देता है उसे नोटिस देकर दिल्ली बुलाकर कोर्ट में खड़े करने का अधिकार और जवाब देने का अधिकार सांसद को पूरा आजादी होती है। अलीगढ़ से अजय कुमार की खास रिपोर्ट।